चिल्ला क्यों रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत भारी हूँ? पता है, मैं समझ गई थी कुछ तो हुआ है जब तुम क्लास में नहीं आए। ब्रेकिंग न्यूज़, अभी-अभी यूनाइटेड स्टेट्स से खबर आई है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट में हमें बताया गया है कि एक अज्ञात। रे, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। शुक्रिया। और सुनिए अब मनोरंजन जगत की ताजा खबरें। उभरते हुए म्यूजिशियन तो ये बताओ, तुमने अपने टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई कर ली? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कर ली है। वैसे तुमने कहा था तुम पढ़ने के लिए जल्दी उठोगे, तैयारी हो गई है ना? हे रे, अब क्या हो गया? अपना खाना खत्म करो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कौन पसंद नहीं है, मैं और नहीं खा सकता, बहुत कड़वा है। कड़वा क्या मतलब? समझ में नहीं आता तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है। रुको, क्या कर रही हो? रे, रात को सोए नहीं क्या? क्या हुआ, तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ? ए, जरा आराम से, मेरी क्लास तीसरे पीरियड तक नहीं है, और खुद को देखो, ऐसा लगता है जैसे कल रात से घर नहीं गए हो। हाँ, क्योंकि मैं सारी रात प्रोफेसर युआके की लैब में यूएफओ जो बना रहा था। हे, हेली। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। टाइलर, कल रात तुम और मैं डिनर पर जाने वाले थे, है ना? वो मैं देखो, वो क्या हुआ, हमारे प्रयोग बहुत अच्छे हो रहे थे तो मुझे माफ कर दो। मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। तो बताओ मुझे, तुमने यूएफओ उड़ाया या फिर वो फुस हो गया? सच कहूँ तो मुझे रैप रूट कंट्रोल सिस्टम की जांच करके देखना जरूरी था ना, इससे पहले कि मैं एक और प्रयोग करके देखूं। तो वो नहीं उड़ा। ओ वाओ, कितना हैंडसम। आपका नया गाना कमाल का है, वाकई बहुत अच्छा। मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। क्या बात है, हम एक दूसरे को चाहते हैं, है ना? तुम आखिर हो कौन भाई? ओह कम ऑन, मैं हूँ, देखो, दुनिया का मशहूर रॉक स्टार एसके काजिमा। ये गाना लिखता है, उसे अपलोड करता है, वो हिट हो जाता है और अब ये टॉप आर्टिस्ट है। जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है? हाँ एसके, जितने यूनिट्स चाहिए उतने हैं ना? हाँ, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के इम्तिहान जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। टेस्ट हो गए क्या? इसी हफ्ते थे क्या? ये वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। उससे याद आया, रे क्या तय किया, क्या करोगे, कुछ सोचा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। देखो रे, मैं तो पहले से ही प्रोफेसर युआके की लैब में यूएफओ रिसर्च कर रहा हूँ। एना एक फिल्म बना रही है क्योंकि वो एक डायरेक्टर बनना चाहती है। हेली आगे की धार्मिक स्टडीज के लिए ग्रेजुएट स्कूल जा रही है, और एसके म्यूजिक बना रहा है और टीचर सर्टिफिकेट की पढ़ाई भी कर रहा है, और एक हम में से तुम हो जो कि क्यों, तुम लॉ की आगे पढ़ाई करने वाले थे मगर कुछ नहीं कर रहे हो। ये सच नहीं है, मैं भी काफी कुछ कर रहा हूँ। तुमने यहाँ 3 साल गुजार दिए हैं, अब तुम्हें तय कर लेना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद तुम आखिर क्या करना चाहते हो। तो शायद तुम्हें भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए टाइलर। हाँ? और कितनी बार फेल होने वाले हो, हम सब जानते हैं, तुम सिर्फ गैजेट से खेलते रहते हो, ये बचपना कब छोड़ोगे? तुम अपने काम से काम रखो दोस्त। बस करो, रुक जाओ। मुझे अफसोस है, मुझे बीच में ही रोकना पड़ रहा है।
मुझे माफ कर दो। हद करते हो, कितनी बार कहा है कि इस तरह मत टपका करो, मेरी जान ही ले लोगे, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो, मगर अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। प्लीज, तुम्हें बहुत मेरे साथ चलना होगा। क्यों? वो किस लिए? क्या बताऊँ, बहुत से रेंगते प्राणी आए हैं। सच में इतने सारे जानवर मैंने कभी नहीं देखे। हमारी गायों को हाथ भी मत लगाना। डरपोक पृथ्वीवासी, सबको पकड़ लो। दोनों भागो जल्दी। तुम कहां से टपक पड़े? मैं इस ग्रह का रक्षक हूं और तुम्हें यहां से जाना चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो और कहां से आई हो? चिंता मत करो, बस उन्हें हम पर छोड़ दो। ओह नहीं, कितने सारे हैं ये? तुम्हें लगता है ये लोग संभाल लेंगे? चिंता मत करो, उन्होंने गैलेक्सी फोर्स को इस्तेमाल करना सीख लिया है और वो 3 साल से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें हराना आसान नहीं। इतने निचले दर्जे की प्राणी की हिम्मत कैसी हुई? सबको जिंदा खा लो। Space Commander. Hey!
आंखें बंद करो। संपूर्ण शरण स्थान। कमाल है, इनमें कुछ खास बात है, आप मानते हैं ना सर? गैलेक्सी फोर्स, ये ऐसी फोर्स है जो खास शक्ति को जागृत करती है, जो पृथ्वी पर आने से पहले आपके ग्रह पर हुआ करती थी। 3 साल पहले नाजका अकादमी पर हमला हुआ, तब से उन्होंने दुष्ट एलियंस के खिलाफ अनगिनत युद्ध लड़े और हर टकराव में अपनी शक्ति को जगाया। और अब देखो वो सब कितने बड़े हो गए। बहरहाल अब तो तुम्हें जाना चाहिए ना। क्या लगता है तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में है? एक मिनट रुको, हम बात करते हैं ना, बात करने से रास्ते निकल आएंगे, हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, ये लो। कहाँ गया वो? ये इल्यूजन था बेवकूफ। इनविजिबल स्पीयर। मैं एक आजादी का दीवाना रॉक एंड रोलर हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूब, शाबाश शाबाश, क्या बात है, इसे इसके को मैं जानता था। माइट, तुमने आने में देर कर दी, ये लोग मुझे अभी जिंदा निकलने वाले थे। बहुत बहुत अफसोस हुआ, बहुत बहुत अफसोस। बहुत बढ़िया। पीछे हटो। ये तो आते ही जाएंगे, हम सबक सिखाएंगे। ठीक है, वो डर कर पीछे हट गए, चलो वापस चलते हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हमारे पास यही एक मौका है बॉस को हराने का। उनमें अब लड़ने की ताकत नहीं बची है, हम जीत गए हैं। आज अगर दुश्मन को हमने जाने दिया तो वही दुश्मन कल को आके और लोगों को भी मारेंगे, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? क्या कह रहे हो तुम? बहस करो, बहस करना बंद करो तुम दोनों। ठीक है, भूल जाओ, जो मर्जी है वो करो, है ना, चलो घर चले। मगर रे, मुझे जो करना है मैं करूंगा, और अब मैं तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूं। तुमने और मैंने एक दूसरे से एक वादा किया था, और अब मैं तुमको जानता तक नहीं। रे, ओ, क्या बात है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आओ लड़ो मुझसे। Hmm.
कम वक्त रेंगते जानवर। उनकी डरावनी आंखें अपनी काबिलियत साबित करने का एक रास्ता है, लड़ाई करो। सही कहा ना? कौन है वहां? अंतरिक्षीय तारामंडल के व्हाइट नाइट, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, जुनून की हद तक हैरत अंगेज शक्ति। मुझे लगता है इन लोगों से कहीं ज्यादा तुम मेरे काम आ सकते हो। वो क्या है? ये आखिर हो क्या रहा है? कितना हैरत अंगेज। कौन हो तुम? उन लोगों के संचालक? रेंगते जानवरों से इतनी नफरत? पृथ्वी ग्रह के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें उनसे लड़ना पड़ता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, जो पृथ्वी ग्रह की शांति के लिए खतरा हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पृथ्वी ग्रह को रेंगते जानवरों ने तबाह किया था? बस करो, रुक जाओ, मेरे दिमाग से निकल जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें तो अपनी स्वयं की आत्मा की आवाज का अनुभव हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें और कुछ नहीं, इसे कबूल करना होगा, क्योंकि ये तो बस सभ्यता पर ईश्वर के प्रयोग का हिस्सा ही था। सभ्यता पर ईश्वर का प्रयोग? मैंने सोचा तुम जीतना चाहते हो, अपने दोस्त का दिल जीतने के लिए। हाँ, जीतना और साबित करना कि जो तुम मानते हो वो सही है, यही चाहिए था ना तुम्हें? नहीं, तुम गलत हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मगर जो हुआ सही नहीं हुआ है ना? रुक जाओ, नहीं, मेरे दिमाग को कंट्रोल करना बंद करो। ओह, बेशक, इसीलिए तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। नहीं, मैं रे और मैं। टाइलर, शुक्र है तुम ठीक हो। आ जाओ, यहां से चलते हैं। ये क्या है? जिंदा सेंटोरस? मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये बच्चा? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम है डहार और मैं पृथ्वी ग्रह का नया शासक हूँ। तुम डहार हो? तो बताओ, तुमने पृथ्वी पर हमला क्यों किया? मैं यहाँ पर पृथ्वी के ईश्वर की योजना को तबाह करने आया हूँ, और क्या? पृथ्वी के ईश्वर की योजना? क्या कर रहे हो तुम? आखिर हो क्या रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। वो उनके पीछे जा रहे हैं बस। जो भी मेरे ग्रह को तबाह करने की कोशिश करेगा, मैं उन सबको हरा दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हेले पर हमला कैसे कर सकते हो? क्यों किया ऐसा? कोई फायदा नहीं, वो खुद अपने बस में नहीं है, वो मेरी कोई बात तक नहीं सुन सकता। नहीं, नामुमकिन। तो अब हम क्या करें? जहाँ हूँ वही रहो। मैं जानता हूं इस जादू को कैसे तोड़ना है।
क्या बात है, मगर ऐसा किया तो कैसा रहेगा? मैंने कहा पीछे हटो, ये दो मर्दों की लड़ाई है। तुम सही जा रहे हो, अच्छे लग रहे हो तुम, और तुम तो लाजवाब हो। यकीन नहीं होता तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये क्या है, वो भाग गया, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था। चलो जाने दो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी बातें सोची थी, तुम्हारे आने से मेरी बहुत मदद होगी। सच कह रहे हो ना ब्लैक नाइट? और फिर 330 मिलियन साल पहले या 150 मिलियन साल पहले हम किस कालखंड में पहले जाएंगे? मुझे छोड़ के मत जाओ, कुछ भी कहो तुम हो बड़े बेवकूफ। मेरे लिए एक यूएफओ बना दो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा। अभी तुम उठ नहीं सकते। ओ, शुक्र है ये जिंदा है। मुझे फिक्र थी हमने शायद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारी शारीरिक चिकित्सा पूरी होने वाली है, मगर अभी तुम्हें काफी आराम करना होगा। रे! हे! दोस्तों, आखिर मेरे साथ वहां हुआ क्या था? इसके ने किसी तरह हम सबको बचाया। हमें फिक्र हो रही थी तो हमने प्रोफेसर युआके से मदद मांगी। लेकिन टाइलर कहां है? हमें नहीं मालूम, हम जब पहुंचे तब तक वो वहां से जा चुका था। ये क्या किया तुमने? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? कहा था ना इससे दूर रहना, फिर बीच में क्यों आए? बस करो रे। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो मुझे। बस भी करो, तुम अकेले ही बहुत कुछ कर रहे हो। हम एक टीम है, एक साथ है ना? क्या तुम ये बात भूल गए? सॉरी, लेकिन क्यों टाइलर ऐसा क्यों कर रहा था? हमें नहीं पता, मगर ऐसा लगता है जैसे उस डहर ने उसे जादू से अपने बस में कर रखा है। फिर भी सब मेरी गलती थी। उसने कहा वो अकेले जा रहा है, अगर मैं उसके साथ चला गया होता तो ये सब नहीं होता। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी खबर ये है कि टाइलर अपने पूरे होश और हवास में है। ये हमला जानलेवा नहीं था? तो क्या हम अभी भी इसकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगा? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं, मगर मुझे याद है डहार ने कहा था कि वो यहाँ पर पृथ्वी के ईश्वर की योजना को तबाह करने के इरादे से आया था। पृथ्वी के ईश्वर? इसका क्या मतलब हो सकता है?
प्रिंस जामजा। ये ग्रह खत्म हो गया। दूसरे स्पेस में डार्क कास्केट का विस्फोट हुआ, अब वो केंद्र की ओर बढ़ रहा है। जियोपॉल, तुम पहले निकास पॉट की तरफ जाओ। एक मिनट रुके, बिन जामजा। ये काम तो हो गया, अब तो खुश होना, बदला ले लिया तुमने ब्लैक नाइट। तबाह कर दिया था, उसने ही यहाँ डार्क कास्केट से हमारे ग्रह पर प्रलय लाई थी। क्या ब्लैक नाइट? पर हमें तो किसी ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी। और सिर्फ इतना ही नहीं मालिक, बाद में आने वाली टुकड़ियों पर भी हमले हुए और उससे बहुत सा नुकसान भी हुआ। दहार? नहीं, क्या कर रहे हो? इस ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन है? वो मेरी ही गलती थी। तो ये तुम्हारा काम था? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बेवकूफ। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बहुत बुरा हुआ।
अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हो क्या? कौन हो तुम मनहूस? मैं हूं इरास, परमपिता के आदेश से आया हूं। परमपिता? वो ये बात जानते हैं तुम मुसीबत का सामना कर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? आकाश गंगा के सौर मंडल में यहां से कई प्रकाश वर्ष दूर एक नीला ग्रह है जिसे कहते हैं पृथ्वी। तुम्हें उस ग्रह पर जाने का निमंत्रण मिला है। पृथ्वी पर? पृथ्वी ग्रह। तो ये है पृथ्वी ग्रह? लगता है डहार के पास पूरे अंतरिक्ष में करोड़ों अरबों वर्षों के कालखंड में बेरोक टोक घूमने की काबिलियत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये मुमकिन भी है? ये क्या है? ये ब्रह्मांड मंडल है। ब्रह्मांड के सारे ग्रह, नक्षत्र और काल के 100 बिलियन वर्ष इस अंतरिक्ष में जमा हो गए हैं। इस शक्तिशाली मंडल के जरिए हम अंतरिक्ष और कालखंडों में बेरोक टोक घूम सकते हैं। डहार ने कहा वो 330 मिलियन साल अतीत में और 150 मिलियन साल अतीत में जा रहा था। इसका मतलब वो ये काम बखूबी कर सकता है। क्योंकि उसमें खासियत है, उस काल में ही पृथ्वी पर पृथ्वी का ईश्वर जन्मा था। पृथ्वी के ईश्वर? डहार पृथ्वी के ईश्वर की योजना पर पानी फेरना चाहता है और ऐसा करके वो पृथ्वी के इतिहास की दिशा बदलना चाहता है। इतिहास की दिशा बदलेगा? मगर फिर ऐसा करके क्या वो इस काल खंड में ही दबकर नहीं रह जाएगा? हाँ, वो हो सकता है। नामुमकिन। इंकार। तुम ये यूनिवर्स डिस्क इस्तेमाल करना जानती हो, है ना? रुको रे, ऐसा मत करो। मगर रे, मुझे अतीत में भेजो, 350 मिलियन साल पीछे। ओ नहीं, मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था तुम यही कहने वाले हो। प्लीज इंकार, टाइलर की खातिर मुझे उसे बचाना है। रे, तुम्हारे तो अभी घाव भी नहीं भरे हैं। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें समझना होगा ये खतरनाक हो सकता है। 330 मिलियन साल पीछे जाने की कोशिश करना ठीक नहीं। आम पृथ्वीवासी अगर ऐसा करें तो हो सकता है उनका शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाए। चाहे जो भी हो, अगर मैं अभी नहीं गया तो मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। तो फिर ठीक है, अगर यही जिद है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंकार। अंदर आओ। क्या बात है?
अगर बात मेरे जख्मों की है तो मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। सुनो, अगर तुम सच में जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। कभी नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको, ठीक है? मगर डहार हमारे वक्त में कभी भी आ सकता है, वो भी बिना चेतावनी के। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो और इस वक्त में पृथ्वी की रक्षा करो। शायद हो सकता है कि मैं वापस ही ना आ पाऊं। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हें घर आना होगा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। मैं भी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ। अब मैं ये मंडल खंड तुम्हारे हवाले कर रही हूं, ये खंड बेहद जरूरी है, यही तुम्हें वर्तमान कालखंड सीमा में सुरक्षित ला सकता है। तुम इसे कभी मत खोना, चाहे कुछ हो जाए। मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना। हम ट्रांसमिशन के लिए तैयार हैं। हे प्रकाश के देवता, Thank you.
एक इंसान, शायद ये एक पृथ्वीवासी है। रुको। एक टेरासोर रेप्टाइल्स इस युग में भी मौजूद है। ये सब तुमने अकेले किया? बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या बात है, ये मुमकिन नहीं। खेल खत्म हुआ, समझे? मुझे जाने दो, मेरे पास यहाँ रुकने का वक्त नहीं है। जीवात्मा, 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 जीवात्मा। तो क्या तुम इसी ग्रह के कोई प्राणी हो? लेकिन तुम तो पहले बिल्कुल अलग रूप में नजर आए थे। मैं पृथ्वी से हूँ, 330 मिलियन साल भविष्य से आया हूँ। 330 मिलियन साल भविष्य से? ओ बकवास मत करो, जीवन के इतने निचले दर्जे में ऐसी तकनीक कैसे हो सकती है? एक मिनट। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये क्या चीज है? मुझे बताओ ये कहां से मिला। मैं क्यों बताऊं? ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो फिर छोड़ो मुझे, वापस दो। ये अब से मेरे पास ही रहेगा। ये क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारी ये कहानी मान लेती हूँ कि तुम भविष्य से यहाँ आए हो, लेकिन ये बताओ कि क्यों आए हो। मैं यहाँ डहार की तलाश में आया हूँ। डहार की तलाश में? तो फिर बताओ तुम आखिर हो कौन? जीवात्मा, 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 जीवात्मा। खामोश हो जाओ। तुम जैसे इंसान को डहार से क्या काम हो सकता है? मुझे उसे ढूंढना है। उसने मेरे दोस्त को कब्जा किया और गायब हो गया, इसीलिए मुझे इस वक्त में आना पड़ा। इतना सफेद झूठ मत बोलो। तुम लोग इसे आजाद करो और छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, इसे जाने दो। क्या? हाँ, जो हुक्म। आज से ये मेरा गुलाम होगा। तुम में से कोई भी इसे न खाएगा न मारेगा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे काम आओगे। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते इसका क्या होगा? मुझे भी डहार से कुछ हिसाब किताब करना बाकी है,
तो बेवकूफी मत करो, जो कहूंगी वो करो। सुनो सांसा। एरोस, तुम यहां कब आए? परम पिता आपको बुला रहे हैं। क्वीन ज़ाम्ज़ा। क्या बात है? वो पृथ्वीवासी, आपने उसे मारा क्यों नहीं? अब वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। उस चमकदार लॉकेट की वजह से? आखिर वो है क्या? अगर उसने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं उसे निकल जाऊंगी। लॉर्ड अल्फा, ये नाम है इस ग्रह के देवता का। हाँ? तो ये मंदिर लॉर्ड अल्फा का है। आज के बाद सिर्फ ज़ाम्ज़ा होंगी और होगा वो नौजवान। क्या? मगर क्यों? केवल शासक ही आमने सामने एक दूसरे से बात करते हैं, गुलाम सिर्फ साथ चलते हैं। मैं परमपिता का आदेश समझा दूं, ये फैसला हो चुका है, तुम्हें इस ग्रह पर रहने की इजाजत दी जाती है। बहरहाल तुम्हें इस ग्रह के नियम और कानून का पालन करना होगा, तुम्हें इस ग्रह की हिफाजत भी करनी होगी। मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? वो सब जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, उन्हें यहां पर जल्द ही आत्मा के महान विकास का अनुभव प्राप्त होगा। और फिर अभी भी पृथ्वी पर दूसरे कई ग्रहों से आए बिन बुलाए मेहमान मौजूद हैं। ये मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी के लोगों को उन अनचाहे मेहमानों से बचाओ। ऐसे बुजदिल कमजोर लोगों को बचाने से क्या फायदा होगा? वो सब जाने दो, इसके बदले मैं खुद ही इस ग्रह की शासक बन जाऊंगी। कमजोर पर ताकतवर शासन करेगा, यही आदेश है। ये ब्रह्मांड का नियम है। क्या हो रहा है? ऐसी बात है। पृथ्वीवासी की तरह यहां रहोगी।
कह रहा है। आप प्रकाश के ईश्वर होंगे। लॉर्ड अल्फा, मेरा एक सवाल है, क्या आप पृथ्वी के ईश्वर हैं? अगर ऐसा है तो मेरी आपसे एक विनती है, टायलर मेरा जिगरी दोस्त, प्लीज उसकी मदद कीजिए। तुम मुझसे ये करने को क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने उससे एक जरूरी वादा किया था। मुझे नहीं लगता टायलर मेरा वादा भूलेगा। एक पृथ्वीवासी को क्या करना चाहिए, तुम्हें भी याद रखने की कोशिश करनी होगी। एक पृथ्वीवासी का फर्ज? स्वादिष्ट लग रहा है। बात है। हाँ, देखो मैं फल लाई हूँ। भटकने मत दो। ओ अच्छा, तो असल में तुम दिल से बहुत नेक हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे ये बात सच नहीं लगती, लेकिन तुम लॉर्ड अल्फा की इच्छा मान रही हो, क्यों? गलत बात मत सोचो, मेरे लोगों को खाना और शरण देने के बदले मैं से छुटकारा दिला दूंगी। मैं तो बस अपना किया हुआ वादा निभा रही हूँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और अपनी औकात मत भूलो, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्या चाहते हो तुम लोग? हम तो बस क्या, हमें फिक्र हो रही थी, आपके घाव ठीक तो हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, बस रहने दो, ये सब ठीक हो जाएंगे। बस बहुत हुआ, अपनी अजीब कला मुझ पर मत आजमाओ। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
अरे तुम तो उदास होने पर भी प्यारी लगती हो जामजा। तुम बिना बताए ऐसे मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बस मेरा भ्रम है। ओह, तो तुम्हारा गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर होता है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया था, मैं यहाँ तुम्हें एक तोहफा देने आया था। कैसा तोहफा? मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें ये पूरा ग्रह ही दे दूँ। क्या तुम्हें पता है इंसान की जीवात्मा बहुत स्वादिष्ट होती है? लेकिन नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? एक बार चखोगी तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलोगी। मतलब इस ग्रह के शासक के लिए शानदार दावत होगी। सारी की सारी स्वादिष्ट जीवात्मा तुम अकेली खाओगी। तुम पृथ्वी के ईश्वर से मिल चुकी हो, है ना? बताओ कैसा था? क्या हो गया, कुछ परेशान लग रही हो? ऑपरेशन प्लेडीज 7-स्टार क्लस्टर का सर्वनाश, क्या ये उस नजरिए से नहीं था जब तुमने इस शक को महसूस करना शुरू किया? मगर जामजा, तुम भूली नहीं हो, है ना? इस ब्रह्मांड में जो कमजोर है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, तुम ये जानती हो। मगर फिर भी वो हमेशा गलत सोच लेके यहाँ पर आ जाते हैं, तो तुम्हें उन लोगों को ये समझाना होगा। और हम जानते हैं कमजोर प्रशासन ताकतवर करता है, यही इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि नियम है। देखो सुनो, तुम लोग उसे यहीं पर ले आओ, संभाल कर। ठीक है, हम संभाल लेंगे। हद हो गई, पता नहीं मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ। बढ़िया। क्या आप दोनों वचन देते हैं कि आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे? हाँ, हम वचन देते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या? हाँ? उनके होंठ इतने नजदीक हैं, मुझे लगा जैसे वो एक दूसरे को खाने वाले हैं। इसे किस कहते हैं? ये प्यार और अपनापन दिखाने का एक तरीका है। हाँ? पृथ्वी पर तो ये आम बात है। इसका मतलब आई लव यू। आई लव यू।
वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, तुम ट्राई करना चाहोगी? बिल्कुल नहीं, कोई घास फूस या ये पत्तियां क्यों खाएगा? ये आपके लिए है, आपको ये पसंद आएगा। शुक्रिया, आपने हमें सुरक्षित रखा और हमारी रक्षा की। इसे खाकर आपको ताकत मिलेगी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसके बदले में मुझे खाना और सर पे छत मिली है। ओ, ये क्या कर रही हो जामजा? ऐसे मौकों पर हम सिर्फ शुक्रिया कहते हैं, सीधे दिल से। पृथ्वी पर तो यही होता है। शुक्रिया, इसका मतलब क्या है? ये एक रिवाज है। क्या तुम अपने ग्रह पर कभी शुक्रिया नहीं कहते? तो अब सुनो सब लोग, चलो अब सफाई करनी है। माफ कीजिए मैडम, मगर क्या आप कूड़ेदान तक ये सारा कचरा ले जाने की तकलीफ उठाएंगी? दरअसल ये बहुत भारी है, हम इसे नहीं उठा पाएंगे। वो हमेशा गलत सोच लेके किसी तरह यहाँ पर आ ही जाते हैं, तो तुम्हें उन लोगों को ये समझाना होगा। और हम जानते हैं कमजोर प्रशासन ताकतवर करता है, और यही ब्रह्मांड का सर्वोपरि नियम है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं कौन हूँ? चलो कुछ मस्ती की जाए, आओ हम मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट करते हैं यहीं पर इसी वक्त। क्या? मैं इस ग्रह पर एक मकसद से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने वाले रेंगते उड़ते जीवों से लड़ना है। एक ही प्राणी है जिनसे मैं नहीं लड़ी, ये इंसान जो इस ग्रह पर रहते हैं। तो बताओ कैसा रहेगा? चलो पता लगाएं कि पृथ्वी पर सबसे ताकतवर कौन है, यहाँ पर हम दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। और पता लग जाए तो उसके बाद क्या होगा? समझ नहीं आया? सबसे ताकतवर ही अगला शासक बनेगा। सब कुछ इसीलिए तो हो रहा है। बड़ा दिलचस्प लगता है, दोनों में से कौन हमारे साथ शामिल होगा? तो ठीक है, आओ तुम मुझसे लड़ो। तो क्या ये गुलाम मुझे चुनौती दे रहा है? इसे भूल गए क्या? जो चाहती हो वो करो। क्या कहा तुमने? अगर मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो बेहतर होगा मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। मुझे उससे लड़ने में बहुत मजा आएगा। उसे दिखा दो उसकी और हमारी ताकत में कितना फर्क है। ठीक है, चलो हो जाए। तुम बहुत सिद्धि हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वही रुक जाओ। ओह, ये तो देवी गाया है। देवी गाया, हमारी विनती है, हमारी रक्षा कीजिए देवी गाया। अगर तुम पृथ्वी वासियों से लड़ने पर उतारू हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। पहले बताओ कि तुम कौन हो। महान लॉर्ड अल्फा, मुझे आपकी दिव्य शक्ति दीजिए। हाची मारी भूखी खाना मीशो बदल गया। Thank you.
क्या अभी? मुझे नहीं पता, अचानक से मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया और मैं हिल भी नहीं पाया। एक और अजीब कला। जाओ तफा हो जाओ। लॉर्ड अल्फा की पत्नी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? लॉर्ड अल्फा की पत्नी? बस यही है मेरे पास। क्वीन ज़ाम्ज़ा, क्या वो हार गई? एक पृथ्वीवासी से? नामुमकिन। मार दो मुझे। बहरहाल, लेकिन तुम सिर्फ मुझे मार सकते हो, क्योंकि सिर्फ मैं ही हारी हूँ। जो भी मेरी जीवात्मा का उपभोग करेगा वही ब्रह्मांड में ताकतवर योद्धा होगा। तो आओ मार डालो मुझे, जल्दी काम खत्म करो, मेरी जीवात्मा ले लो। तो किसका इंतजार है? हारने वाले को सिर्फ मौत मिलती है, यही है ब्रह्मांड का नियम। नहीं, तुम गलत कह रही हो, हमारे लॉर्ड अल्फा की ये मर्जी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जितनी बार चाहो फिर से इसे शुरू कर सकती हो। हो सकता है ऐसा लगता हो हम एक दूसरे से अलग हैं, मगर हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा ने एक समान ही बनाया है। नफरत करने की कोई जरूरत नहीं, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, और यही है लॉर्ड अल्फा की सर्वोपरि इच्छा। हमारी आत्माएं, क्या उन्हें ईश्वर ने बनाया था? सबसे प्रेम करो, जैसे कि अभी तुमने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मुझे पूरा यकीन है ये उनके लिए तुम्हारे प्यार का प्रतीक है। सही कहा ना मैंने? कैसी हो? तुम्हारे घाव भर रहे हैं? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी हो, मैं ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर हूं। मतलब नहीं। देखो, अगर मुझसे पूछो तो तुम सिर्फ तुम हो। चुप रहो। ए, तुम लोग यहां देखो, क्या तुम हमारी मदद करोगे? वो देखो वहां। क्या तुम लोग हमें नदी पार करा सकते हो? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है।
तुम्हारी मदद से हम किनारे तक पहुंच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फर्ज था, मुझे भी खुशी हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ताकतवर होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरी तो यह है कि जो करो पूरी ताकत से करो। ताकतवर होना अच्छा है, पर उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत से कमजोर की रक्षा करो। ताकत से कमजोर की रक्षा करो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर असली ताकत है तो उससे लोगों तक प्रेम पहुंचाओ। प्रेम? वैसे तुम्हें बता दूं, तुम पहले से कहीं ज्यादा कूल हो। कौन है वहां? ज़ोम्ज़ो, हिलना मत। ज़ोम्ज़ो, इस वक्त तुम बहुत कमजोर हो और इस हालत में तुम हमारे लीडर बनने के लायक नहीं। तो मैंने फैसला किया है, ज्यादा ताकतवर लीडर की बात मानूंगा। ज्यादा ताकतवर लीडर कौन है? ब्लैक नाइट मतलब दाहार। टाइलर, ज़ोम्ज़ो रुक जाओ, तुम इस हालत में लड़ नहीं पाओगे। मेरी बात मानो। से मैं खुद निपटने वाला हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बस वहीं रुको, मैं तुम्हें अपने आप से बचाऊंगा। Thank you.
तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्वीन ज़ाम्ज़ा या फिर सिर्फ ज़ाम्ज़ा, मैं तुम्हें अभी यहीं दफना दूंगा, अपने हाथों से अभी इसी वक्त। मार डालो, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्वीन ज़ाम्ज़ा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने हमारा जीवन बचाया है। नहीं टाइलर, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं समझ गया, मैं अकेले इस मकान तक कभी नहीं पहुंच पाता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुश्किल से मुश्किल हालात में इसीलिए मैं यहां तक पहुंच पाया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो? और इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर लौटूंगा, ताकि हम वो वादा पूरा करें जो हमने एक दूसरे से किया था। वासी होने के नाते तुम्हें अपने असली मिशन के लिए जागना होगा। मेरा असली मिशन? हाँ, तुम्हारा असली मिशन जो है माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितनी मुसीबत में डाल दिया रे। भूल जाओ वो सारी बातें, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। मैंने लॉर्ड अल्फा को देखा, उन्होंने मुझसे बात की जब वो मेरे सपनों में आए। तुमने लॉर्ड अल्फा को देखा? कब? वो सब कमाल का था, उन्होंने मुझसे कहा अपने असली मिशन के लिए जागो, तो अब से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त हूं, जिगरी दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइलर, हमने एक वादा किया था जिसे हमें पूरा करना है। अच्छा, तुम तो लॉ की पढ़ाई करोगे, है ना? हाँ, और तुम जाओगे साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। मेरा इरादा तो प्रोफेसर युआके की रिसर्च टीम को ज्वाइन करने का है, और उम्मीद है मैं यूएफओ बना सकूंगा। और मैं ग्रह की रक्षा करूंगा, कानून और न्याय के साथ मैं दुनिया के लोगों को सुरक्षित रखूंगा। अच्छा, वो कैसे? शायद पुलिस फोर्स या डिफेंस फोर्स में जाके, पता नहीं इनमें से कौन सा बेहतर है। फिर तो तुम्हें प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। हाँ? क्यों, क्या डिफेंस फोर्स के कमांडर प्रधानमंत्री नहीं होते? तो तुम ही होगे जो उन्हें आदेश दोगे, और डिफेंस फोर्सेस दुष्ट एलियन पर हमला करने के लिए मेरे यूएफओ इस्तेमाल करेंगे। सब सही होगा, है ना? ऐसा हुआ तो मजा आएगा।
चलो हम अपनी शक्ति मिलाएं और इस ग्रह को मिलकर बचाएं। यही था हमारा वादा, पर उसे पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो अब चलो हम अपने वक्त में वापस लौटें, जितनी जल्दी हो सके। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चलो घर वापस चलें। टायलर, उठो, उठ जाओ। ओ नहीं, तुम्हारा दोस्त साथ छोड़ गया? जहार। वैसे मानता हूँ पृथ्वीवासी होके भी इस ग्रह के लिए अच्छा काम किया। माफ करना जामजा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इस ग्रह को मैंने भी अपने पास रखने का फैसला किया है। ओह, सच में? तुम तो हमेशा यही चाहते थे। तुम कमजोर हो गई हो, तुम शासन करने लायक नहीं रही। सभी लोग क्वीन जामजा की रक्षा करो। देखो देखो, तुम सबको समझना होगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है यही सबसे अच्छा है। कौन है ये? एक राक्षस? अब हम क्या करें? आखिर हम ऐसे दुश्मन को कैसे हरा पाएंगे? जी! तो आखिर में तुम किसी को नहीं बचा पाए, सही कहा ना? चुप रहो। अफसोस की बात है ना? अलविदा कहने का वक्त आ गया नाकाम हीरो। क्यों जामजा? तुम्हें याद नहीं, कमजोर की रक्षा करना ताकतवर का फर्ज है, तो मुझे ये करना ही था। मैं तुम्हारी मालिक जो हूँ, तुम्हें बचाना होगा, मेरे गुलाम, है ना? जामजा, होश में आ जाओ, प्लीज। नहीं, जामजा, जबरदस्त, सच में जबरदस्त। इतने कमजोर हो फिर भी तुम्हारा अंत इतने कमाल का है। ये सब मेरी वजह से हुआ। सही कहा, सब मारे गए क्योंकि तुम इतने कमजोर हो। ये सच है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तो बताओ, ऐसी क्या बात थी, तुम यहाँ आए क्यों? इतने दूर अतीत में अंतरिक्ष काल के 330 मिलियन साल पीछे। क्योंकि मुझे इस पृथ्वी को बचाना था। बस करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तुम मेरी जान ले लोगे। ये बताओ तुमने क्या किया है, मैं बताता हूँ। तुमने अपने दो दोस्तों को मरते देखा और कुछ हासिल नहीं किया। मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर पाया। ओ, क्या बात है, उस हारे ब्लैक नाइट की जगह मैं सारा ध्यान तुम पर लगाऊंगा। रुको, एक बात साफ कह देता हूँ, जो ताकतवर है वही कमजोर पर शासन करता है, वही हमारे ब्रह्मांड का नियम है। हार मत मानना, लॉर्ड अल्फा में विश्वास रखो और भूलना मत कि हमारा असली मिशन क्या था। हमारा असली मिशन? हाँ?
मैं तुम्हें अपने ग्रह पर आने की दावत देना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी योजना पर अमल कर रहा हूँ। मुझे पृथ्वी ग्रह पर एक नई सभ्यता की रचना करनी है। नई सभ्यता की रचना? अतीत में मैंने एक और ग्रह पर एक सभ्यता की रचना की थी, उसका नाम है वीनस। वीनस पर सभ्यता के प्रयोग के प्रारंभिक लक्ष्य पूरे हुए और वो बहुत कामयाब भी हुआ। फिर मैंने फैसला किया सभ्यता की रचना करूं एक बिल्कुल नए ग्रह पृथ्वी पर, जहां आत्मा के सक्रिय विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पृथ्वी पर पैदा हुए ये जीव रूप लंबी अवधि तक विकसित होंगे और पृथ्वी ग्रह पर पृथ्वीवासी बनकर जीवित रहेंगे और दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर अलग अलग जीवन रूपों को लाकर मैं उन पृथ्वीवासियों को नए नए अनुभव पाने का मौका देना चाहता हूं, जिससे उन्हें अपनी आत्माओं को और ज्यादा विकसित करने का हौसला मिलेगा। मगर इन जीव रूपों में ऐसे तत्व भी जरूर होंगे जो पृथ्वी शिक्षाओं के लायक नहीं होंगे। ऐसे प्राणियों को कहते हैं रेप्टिलियंस। उनमें जन्मजात मान्यता होगी कि ताकतवर को कमजोर पर शासन करना चाहिए। तो फिर भला कोई ऐसे प्राणियों को यहाँ क्यों लाना चाहेगा? तुम गलत समझ रहे हो। वो कैसे? क्या मतलब है आपका? रेंगते प्राणियों ने मेरे ग्रह को तबाह कर दिया है। प्रतियोगिता का सिद्धांत जरूरी है, इससे आत्मा विकसित होती है और आगे बढ़ती है। इस मामले में कुछ चीजें हैं जो उनके सोचने के तरीके से सीखी जा सकती हैं। लेकिन कैसे? शायद ये सच है, बिना प्रतियोगिता के हमें कुछ करने की इच्छा ना होती, और शायद इसका मतलब है हमारी आत्मा विकसित ही ना होती। सच में? बहरहाल, दूसरों को सामने से हटाकर विकास और खुशहाली पाना सही प्रगति नहीं है। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को सिर्फ खुले दिल से एक दूसरे से प्रेम करना सीखना होगा। इसका मतलब है इस सत्य को स्वीकार करो कि सभी जीवित प्राणी भाई और बहन हैं, जो उस ईश्वर के प्रकाश से जन्मे हैं जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। यही है विश्वास। यही विश्वास है? जब रेंगते प्राणियों को प्रेम के सिद्धांत की शिक्षा से जो विश्वास जागता है, पृथ्वीवासी रेंगते प्राणियों से बदले में उन्नति के सिद्धांत के बारे में सीख सकते हैं। इस तरह दोनों ही अपनी आत्मा के गतिशील विकास पाने का लक्ष्य रख सकते हैं और पृथ्वी के इन अनमोल आदर्शों को बचा सकते हैं। यही सच्चा न्याय है और यही तुम्हारे जीवन काल का सच्चा मिशन हो। तो क्या यही मेरा सच्चा मिशन है? हाँ, मैं जान गया हूं मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है। मैं यहां इस ग्रह की रक्षा करने आया हूं, न्याय की खातिर। मेरी आंखें! ओ नहीं, ये किस किस्म का रूप है? वाव! क्यों नहीं आखुगा आरुखा गिरी सैगी नो केवा ने मुरा नहीं युकिया यासासिसा। कौन हो तुम? अपने आप को समझते क्या हो? मुझे अभी बताओ तुम अभी क्या बन गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे नजरअंदाज करोगे? Yeah.
पृथ्वी का रक्षक हूं और मैं यहां न्याय प्रस्थापित करने आया हूं। उसने कर दिखाया। अच्छा, अब तो मुझे तुम्हारा और अच्छा इंतजाम करना होगा। बहुत खूब, पृथ्वी का रक्षक, मगर असली बात यह है। तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा नहीं है। सूरज है। तुम आ गए पृथ्वी के देवता अल्फा। हमारे ब्रह्मांड को अचानक क्यों मरना पड़ा? हमें ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष में क्यों धकेल दिया गया? ब्रह्मांड का निर्माण और लुप्त होना उनके पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों का ही हिस्सा होता है। कुछ ब्रह्मांड खो जाते हैं जबकि दूसरे नए रूप में फिर जन्म लेते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। थे जिसने हमारे ब्रह्मांड को लुप्त किया, तो तुम अब इसे मेरे लिए रहने दो, समझे? क्या आफत है? मंजूर नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड अल्फा, मुझे अपनी शक्ति दीजिए।
शक्ति जिसका कोई वजूद नहीं हमारे ब्रह्मांड में। वो यही तो थी। हाँ, इसी ने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी देकर। जरा एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब अब ये? जामसा, ए, आराम से, ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? जरा एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, रुको, मेरे घाव दुखते हैं। माफ करना। देखो, तुम उल्टा सीधा मत सोच लेना। तुम्हारी मालिक होने के नाते मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी और कुछ नहीं, ठीक है? जामसा, क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जरूर, तुम्हारा भी शुक्रिया। अब तुम रेंगते प्राणी भी विश्वास जगाओ और सीखो दूसरों से प्रेम कैसे करते हैं। हाँ जरूर, जी हाँ लॉर्ड अल्फा। ये संदेश इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों के लिए है। अभी मैं पृथ्वी का सत्य प्रकट कर रहा हूं। सुदूर अतीत में मैंने शुक्र ग्रह पर सभ्यता की रचना की थी और फिर मैं ब्रह्मांड में ज्यादा विकास और खुशहाली देखना चाहता था, तो मैंने फैसला किया मैं एक बार फिर यहां पृथ्वी पर एक नई सभ्यता की रचना करूंगा। शुरू में मैंने शुक्रवासियों की आत्माओं को बुलाया, फिर पृथ्वीवासी बनाने का निर्णय किया।
मैंने उनमें से हर एक को दो अलग अलग लिंगों में बनाया, आदमी और औरत की रचना की, ताकि वो जीवन भर अनेक किस्म के नए नए लाभदायी और सार्थक अनुभव पा सकें। फिर मैंने उनमें से हर एक को उनकी अलग अनोखी पहचान और चरित्र दे दिया। और क्योंकि तुम सब एक ही स्रोत से जन्मे हो, इसलिए कुछ भावनाएं तुम सब साझा करते हो। एक मूल स्रोत में लौटने की इच्छा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की भावना और एक दूसरे से एकजुट होने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं प्रेम भरे दिल में जागती हैं जो तुम्हारी आत्मा में हैं। इसके साथ ही इन आत्माओं को व्यक्तिगत चरित्र दिए जो अपने दम पर स्वतंत्रता तलाशने लगे। हर एक की स्वतंत्रता ने एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कई संघर्ष होने लगे और कई संघर्ष सामने आए जिनके कारण थे वो व्यक्तिगत जीवन रूप जो दूसरे ग्रहों से अपने अलग मूल्यों के साथ यहाँ पर पृथ्वी ग्रह पर आत्म प्रशिक्षण पाने के लिए आए थे। इसीलिए ये जरूरी हो गया कि पृथ्वी पर रहने के नियम बनाए जाए और इस ग्रह पर सभी उपस्थित मानव जाति को इन नियमों की शिक्षा देने की जरूरत भी महसूस हुई। और यही कारण है कि मैंने यहाँ तुम्हारे सामने आने का निर्णय किया, ताकि यहां मैं सामने आकर तुम्हें इन नियमों को सिखाऊं। तुम सब व्यक्तिगत शरीर में कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर जन्मे हो, मगर जब तुम मरोगे तो तुम आत्मा के रूप में स्वर्गीय आयाम में लौट जाओगे और फिर तुम इस पृथ्वी पर एक नए चरित्र में दोबारा जन्म लोगे। जीवन के बाद जीवन, तुम अनंत विकास के मार्ग पर चलोगे। ये है पुनर्जन्म का नियम। यहां तक कि अगर जिस ग्रह में तुम पैदा हुए हो उसके परिणाम स्वरूप तुम में मतभेद है, और जब तुम सब पृथ्वी पर पुनर्जन्म के चक्र से गुजरोगे तब तुम सबको पृथ्वीवासी के रूप में स्वयं को साकार करना है। फिर अपने व्यक्तिगत चरित्र को चमकाते हुए तुम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीखोगे और अपनी आत्मा को विकसित करोगे। और यहां इसी पृथ्वी पर, इसी प्रेम के सुंदर ग्रह पर, इस शाश्वत आत्मा के प्रशिक्षण के लिए यही सही जगह है। मैं ही हूं इस पृथ्वी का परमेश्वर, तुम्हारी आत्मा का सृष्टा, महान ब्रह्मांड के आदिम परमेश्वर की चेतना का एक अंश जो स्वयं यहां पृथ्वी ग्रह पर प्रकट हुआ है। मैं अल्फा हूं, मैंने तुम्हारी रचना की, और अब मैं यहां आया हूं तुम सभी को सिखाने ब्रह्मांड के सभी नियम। तुम सबको पृथ्वीवासी के रूप में अपनी चेतना को जगाना है। मेरे ख्याल से हमें रे ने कोई संदेश भेजा। क्या वो ठीक है? ऐसा लगता है लॉर्ड अल्फा के साथ काल सुरक्षित है। पृथ्वी ग्रह के रक्षक की शक्ति मेरी आशा से ज्यादा महान है। मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने सब तारामंडल पर क्या किया। हाँ, लेकिन फिर मैंने भी तो वही सब किया तुम्हारे ग्रह पर जब मैं वहां था। अब तो हम दोनों ही पृथ्वीवासी हैं। हाँ, यही सही है। तो आज से हम देवी गाया 350 मिलियन साल भविष्य में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों से हमले होने वाले हैं। मुझे लगता है हम बस यही कर सकते हैं कि हम लड़ते रहें,
अभी और हमेशा के लिए। जब भी मानव जाति मुसीबत में होगी, लॉर्ड अल्फा यहां वापस आएंगे नए रूप और नए अवतार में। हाँ? वो पृथ्वी पर फिर से आएंगे? हाँ, वो इस पृथ्वी के रहस्य उजागर करेंगे, साथ ही तुम्हारे काल में ब्रह्मांड के महान रहस्य भी प्रकट करेंगे। हाँ? तो क्या इसका मतलब? रे। हाँ? क्या तुम जल्दी वापस जाने वाले हो? हाँ, मेरे दोस्त मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वैसे यहां तुम्हारे बिना भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। जामसा, अब क्या हुआ? ये अब तुम्हारे हाथों में है। मैं वर्तमान काल की पृथ्वी तुम्हें सौंपता हूं। हां जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। रे, मैंने हमेशा कद्र की ताकतवर लोगों की, और जानते हो मैं शायद तुम्हें अपना पति भी चुन सकती थी। रे, तुम्हारा शुक्रिया। क्या? मेरा मतलब फिर मिलेंगे कहीं पर किसी और कालखंड में।